DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. जी आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो वीसी की थी उसके बाद ये तय हुआ था कि अभी लॉकडाउन नहीं हटाया जाए, धार्मिक स्थानों को अभी बंद रखा जाए, तो उसी को लोग लेके आज जो सरकार का एक जो है एक सर्कुलर आया था, तो उस पर आज कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उसमें ये आज कहा गया है कि हम लोग जो दरगाह कमेटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, दरगाह से जो जुड़े हुए हैं, अंजुमन जो है और खुद्दाम हजरात है और दरगाह कमेटी की तरफ से हम लोग भी आए, तो हम ये तय करेंगे कि जो जायरीन आएंगे उनको जब वो दरगाह के अंदर जाएं तो उनकी समझाइश हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, मास्क लगाया जाए, तो उसके लिए एक प्लान और एक पूरी एक रूपरेखा तैयार करी जाए, तो फिर दोबारा एक मीटिंग होगी जिसके अंदर हम लोग सब बैठ के जो दरगाह से जुड़े हुए जो लोग हैं, अंजुमन है, खुद्दाम हजरात है, दरगाह कमेटी है, ये सब लोग मिल के ये तय करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों की समझाइश हो, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए, लोगों को मास्क लगवाया जाए, वो सब प्लान बना के हम कलेक्टर महोदय के को यहाँ पे देंगे, यहाँ पे फिर डिस्कशन होगा और उसके बाद ये सरकार को भेजेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने के लास्ट वीक तक दरगाह खुल जाएगी और उसी को लेके डिस्कशन हुआ आज कि किस तरीके से जायरीन आए तो उनकी व्यवस्था कैसी की जाए, उनको होटलों में रुके तो मतलब एक एक रूम में कम लोग रहें ताकि जो ये जो इस वायरस का जो खतरा है उससे लोग बच सकें, गाड़ियों में कम लोग बैठे हैं, उन सब चीज़ों के लिए जायरीन को यहाँ से इतला भी की जाएगी कि एक गाड़ी में आप 5 लोग नहीं बैठ के आएँ, 6 नहीं आएँ, आप 3 लोग आएँ, 4 लोग आएँ, कमरे के अंदर कम लोग रहें, अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, धक्का नहीं दें, तो उन सब बातों का ध्यान रखें और जब दरगाह खुलेगी तो पूरी खुलेगी, दरगाह में ये नहीं होगा कि कुछ खुला कुछ नहीं खुला, पूरा खुलेगा और उसके पहले ट्रायल भी एक तरीके से की जाएगी, उसके लिए लेके हम लोग सभी लोग दरगाह कमेटी, अंजुमन, खुद्दाम हजरात, दीवान साहब के भी लोग सब लोग मिलके एक बार बैठ के तय कर लेंगे और प्रशासन को ये बात रख देंगे और दरगाह खुलेगी तो पूरी खुलेगी, लेकिन हम लोगों की समझाइश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे ताकि यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं हो कि लोगों को, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के ऊपर है, तो हम यहाँ के तमाम खुद्दाम हजरात और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनने की हम लोगों की समझाइश करें और सब लोग यहाँ पे आए, ख्वाजा साहब का सबको फैज मिले और हमारे मुल्क से ये जो कोरोना है ये ख़त्म हो जाए। दरगाह शरीफ, दरगाह मैनेजमेंट, गाँव ख्वाजा साहब के नुमाइंदों ने मुलाकात की, मीटिंग रखी गई है, ये पहली मीटिंग है और उसमें ये तय किया गया है कि दरगाह शरीफ खोलने से पहले आस्थाने आलिया की जितनी रस्म व रिवाज है उसका, तमाम लोगों को जिनके हकूक जुड़े हुए हैं उनका, और तमाम दरवाजे, ताकि तमाम दरवाजे आने वाले जायरीन और उनके बाहर जो भी कारोबारी लोग हैं, उनकी दुकानें जो 2.5 महीने से बंद हैं, उन सबको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, 2.5 महीने से उसको भुगत रहे हैं, आने वाला जायरीन जो है उससे भी हमारी गुजारिश ये है कि जब भी आए, जैसा कि उनके यहाँ भी हो रहा है और हमारे यहाँ भी है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, तभी यहाँ पर आएँ, ख़ासतौर से बच्चे और बूढ़ों का ख्याल रखें तो उनको साथ लेके नहीं आए, रास्ते में अगर आते हैं तो जहाँ जहाँ कोरोना फैला उसका ख्याल रखें, सरकार का इनाल का कर्म सब पे शामिल हाल रहेगा, अब तक दुआ की और दुआ जारी रहेगी, लेकिन ख़ास तौर से उन आने वाले जायरीन से ज़रूर कहेंगे कि पूरा ख्याल करते हुए कोरोना का और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का ख्याल करते हुए आएँ और अपना वहाँ से लिखा के लाया कि साहब किसी किस्म की कोई बीमार आदमी नहीं है, ताकि यहाँ आने पर वो किसी दिक्कत में ना आए, अगर कहीं ठहरते हैं तो उसका भी ख्याल रखें, हमें भी ख्याल रखना, लेकिन आस्थाना आलिया उसी वक्त खुलेगा, तमाम गुदाम जिनके हकूक आस्थाने में जुड़े हैं वो भी होंगे और जिनके और हकूक वाबस्ता हैं वो भी दरगाह शरीफ में रहेंगे, ताकि सभी को इससे जो रुकनाथ हुए हैं वो आइंदे नहीं होने पर उसका ख्याल रखें।